आपका स्वागत है मेरी चैनल मेरी रसोई में। आज मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए न्यू वीडियो लेके। तो न्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आज का न्यू वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज मैं लाई हूँ स्वीट पोटैटो साबूदाने के कुरकुरे। ये इतने टेस्टी वाले हेल्दी वाले कुरकुरे हैं। आप इसे एक साल के लिए भी स्टोरेज कर सकते हैं धूप में अच्छी तरह से सुखाने के बाद। और आपको ये कैसे बनते हैं आपको देखना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आप स्किप करके देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने ये साबूदाने के स्वीट पोटैटो के कुरकुरे कैसे बनाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिए और पूरा देखिए तो पता चलेगा कि आपको ये मैंने कैसे बनाए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्वीट पोटैटो साबूदाने के कुरकुरे। हमने स्वीट पोटैटो साबूदाने के कुरकुरे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 500 ग्राम साबूदाने लिए हैं जो हम इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे पहले, उसके बाद हम इसको भिगोएंगे। तो हम इसे वॉश कर लेते हैं अच्छी तरह से। आप जितनी केजी में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो पहले हम इसे वॉश कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो मैं अभी इसे वॉटर में भिगोने के लिए रख दूंगी। तो हमने यहाँ पे पानी यूज कर दिया है तो मैं अभी इसे ढक के पूरे 7 से 8 घंटे तक लिए भिगोने के लिए रखूंगी। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी भिगोने के लिए रख सकते हैं, तो कल सुबह आप इसे कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे 7 से 8 घंटे तक इसे भिगोने के लिए रख दूंगी ढक के। हमें स्वीट पोटैटो कुरकुरे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है स्वीट पोटैटो जो हमने उसकी स्किन निकाल ली है अच्छी तरह से। आपको स्किन निकालनी है। स्किन निकालने के बाद आपको इसको 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से वॉश करना रहेगा। तो मैंने वॉश भी अच्छी तरह से कर लिया है। तो अब मैं इसको बॉईल होने के लिए रखूंगी। तो हमें बॉईल होने के लिए उसमें हम एक ग्लास पानी ऐड करेंगे। हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, हमें सिर्फ 1 ग्लास ही इसमें ऐड करना है। तो मैंने 1 ग्लास ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसका ढक्कन बंद करके इसको बॉईल होने के लिए रख दूंगी। हमें बॉईल होने के लिए इसमें 1 विसल ही इसमें लेनी रहेगी। तो मैं इसे बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। तो हमने जो साबूदाने भिगोने के लिए रखे थे 7 से 8 घंटे, तो हमारी इसके 7 घंटे हो चुके हैं। तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। आप देखिए हमारे साबूदाना अच्छी तरह से भिगो के फूल चुके हैं और सॉफ्ट वाले भी हो चुके हैं। आप देखिए इस तरह से हो जाए तब आपको समझना है कि हमारे साबूदाना अच्छी तरह से भीग चुके हैं। तब हम इसमें इसको हमें बॉईल करना है। तो हम इसको बॉईल होने के लिए गैस की फ्लेम पे हम पकाने के लिए नहीं चलाएंगे। तो हम इसके लिए हमें बॉईल होने के लिए पानी को रखना है। तो मैं ये साइड में रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक तपेली में पानी ले लिया है और अब मैं इसे गर्म होने के लिए रख दूंगी। हमें फुल उबलता हुआ पानी चाहिए तब मैं इसे उबालने के लिए रख देती हूँ। तो जो हमने पानी उबलने के लिए रखा था वो पानी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से उबल चुका है। आपको भी इसी तरह से एकदम उबला हुआ है पानी हमें इसे यूज करना है। तब हमारा पानी भी उबल चुका है तब हम इसे यूज करेंगे। तब ये हम पानी इस साबूदाने में ऐड कर देंगे। हमें इतना पानी ऐड करना है कि हमारे जो साबूदाने हैं सभी अच्छी तरह से डूब जाए पानी में।
पानी ऐड करने के बाद हमें इसे ढक के रख देंगे साइड में, जिससे ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जो हम गैस की फ्लेम पे इसे पकाते हैं उसी तरह ये हमारे साबुदाने पक जाएंगे अच्छी तरह से। और हम गैस की फ्लेम पे जब पकाते हैं तो वो पूरी रस हो जाते हैं, और हमें इसे रस नहीं करना है। हमें इस साबुदाने को इसी तरह से जो बॉल्स की तरह होते हैं हमें उसी तरह से यूज करना है। तो यहाँ पे हमारे स्वीट पोटैटोस बॉईल हो चुके हैं, तो हमने प्रेशर कुकर में वन विसल ली थी और अपने आप ही उसे प्रेशर को खत्म होने दिया है। तो मैं इसे अब ओपन कर लेती हूँ और चेक कर लेंगे कि हमारे स्वीट पोटैटो बॉईल हुए हैं कि नहीं। तो हमारे स्वीट पोटैटो अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं, तो मैं आपको एक स्वीट पोटैटो उठा के आपको दिखा देती हूँ कि हमारे स्वीट पोटैटो बॉईल हुए हैं कि नहीं। सावधानी से आपको करना रहेगा कि वो गर्म है, पता वरना आप जल जाएंगे। अब देखिए हमारे स्वीट पोटैटो बॉईल हो चुके हैं ये सॉफ्ट वाले, तो हमें इसी तरह से सॉफ्ट वाले बॉईल करने हैं। हमें ज़्यादा विसल करेंगे तो ये पूरी तरह से गल जाएंगे, हमें इतना ही सॉफ्ट करना है, इसलिए हम इसमें वन विसल ही की थी। तो अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे सारे स्वीट पोटैटो को निकाल लिया है, अब मिक्सर की मदद से इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। तो हमने यहाँ पे अच्छी तरह से इसे मैच कर लिया है, तो आपको भी करना रहेगा। आप मिक्सर की मदद से मैच नहीं करना चाहते हैं तो आप ग्रेटर की मदद से भी इसे मैच कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से आपको करना हो आप कर सकते हैं। तो मैंने इसे मिक्सर की मदद से मैच कर लिया है। तब मैं इसमें जो हमने साबुदाने भिगोने के लिए बॉयल हुए पानी में रखे थे वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो पहले हम इसमें मसाला ऐड कर देते हैं। तो हम मसाला ऐड करने में हम यूज़ करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर है हमने, काली मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून जितना हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे, ये रोस्टेड जीरा पाउडर है, और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब मैं सारी चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमने यहाँ जो नमक ऐड किया है जो फास्ट में लिया जाता है वो नमक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप वो सादा नमक आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। हम इसे पहले इसलिए मिक्स कर रहे हैं क्योंकि जब हम इसमें साबुदाने ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे तो हमारे साबुदाने का, इसलिए हम इसमें ऐड नहीं करते कि इसमें साबुदाना हमें आप टूट ना जाए, हमें आप पूरा ही रखना है, इसलिए हम इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे। हम पहले ही मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे मसाले मिक्स अच्छी तरह से कर लिए हैं, तो अब हम इसमें साबुदाने ऐड कर देंगे। अब हम इस साबुदाने को इसमें मिक्स कर लेते हैं। Thank you.
तो हमने यहाँ पे अच्छी तरह से साबुदाना इसमें मिक्स कर दिए हैं। तो हम टेरेस पे आ चुके हैं। तो अब हम इस कुरकुरे को हमें धूप में सुखाना है, इसलिए तो हम जिस पे धूप कुरकुरे बनाने वाले हैं हमने यहाँ पे प्लास्टिक बिछा लिया है। आप किसी पे भी ये कुरकुरे बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लास्टिक बिछाया है। तो चलो हम कुरकुरे कैसे बनाते हैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने यहाँ पे गन स्टाइल का जो मशीन आता है वो हमने यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे हमने स्टार नोजल भी लगा लिया है। तो हमें इसे पहले इस तरह से हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब मैं इसमें जो हमने स्वीट पोटैटो और साबुदाना का जो पेस्ट रेडी किया है वो इसमें ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे गन में ये मसाला रेडी ऐड कर दिया है। तो अब हम गन को बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से कुरकुरे रेडी कर रहे हैं। आपको इसी तरह से कुरकुरे बनाने रहेंगे। तो मैं इसी तरह सारे कुरकुरे रेडी कर लूंगी। तो हमने यहाँ पे सारे कुरकुरे रेडी कर लिए हैं और हमें धूप में सुखाने के लिए रख दिए हैं। तो हम इसे 3 से 4 दिन तक धूप में सुखाएंगे, उसके बाद हम आपको क्या करना है बताते हैं। तो हमने यहाँ पे धूप में जो स्वीट पोटैटो और साबुदाने के कुरकुरे सुखाने के लिए रखे थे उसे हमने अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया है। अब देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से धूप में सूख चुके हैं। तो अब आप इसे 1 साल के लिए स्टोरेज कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से नहीं सूखेंगे तो आप इसे 1 साल के लिए स्टोरेज नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छी तरह से सूखेंगे नहीं तो इसमें जो कीटाणु होते हैं वो आ जाते हैं, इसलिए ये बिगड़ जाती है। इसलिए हमें इसे अच्छी तरह से धूप में सुखाने के बाद ही हम इसे स्टोरेज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अच्छी तरह से इसे धूप में सुखाया है। तो अब मैं इसे आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ कि आप इसे अब फ्राई कैसे करेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल गरम होने के लिए भी रख दिया है। तो हम वेट कर लेते हैं ऑयल गरम होने का। तो यहाँ पे हमारा ऑयल भी गरम हो चुका है। तो हम स्वीट पोटैटो के जो कुरकुरे रेडी किए हैं वो इसमें ऐड करेंगे। पहले हम एक दो ऐड करके देख लेते हैं हमारा ऑयल कितना ज्यादा गरम है। तो ये हमारा ऑयल बराबर तरह से गर्म हो चुका है। तब मैं और आप इसे फ्राई करें तब आपके गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखनी है। इसी तरह आपको तो फ्राई करने रहेंगे। आप देख सकते हैं ये गोल्डन कलर के ही फ्राई होंगे। हम देखिए इस तरह से हमारे ये कुरकुरे रेडी हो रहे हैं। इसी तरह है सारे कुरकुरे रेडी कर लेती। तो मैंने यहाँ पे सारे कुरकुरे को फ्राई करके आपको दिखा दिया है किस तरह से मैंने फ्राई किया है। तो आपको ये मेरा स्वीट पोटैटो के साबुदाने के कुरकुरे कैसे लगे प्लीज कमेंट करके कहें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।